बिल्कुल आनंद। इनसाइड स्टोरी की शुरुआत करते हैं आज की सबसे बड़ी खबर से। केजरीवाल की आम आदमी पार्टी को आज सबसे बड़ा झटका लगा है। पार्टी की प्रवक्ता और नेता शाजिया इल्मी ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। शाजिया ने केजरीवाल और पार्टी के तौर तरीकों पर भी गंभीर सवाल उठाए हैं और सुधार के लिए जरूरी नसीहत तक दे डाली। अपनी जिद से जेल में बंद केजरीवाल की पार्टी में सबसे बड़ी टूट सामने आ गई। शाजिया ने केजरीवाल और उनकी पार्टी को खूब खरी खोटी सुनाई और अपना इस्तीफा मुंह पे दे मारा। और मुझे बहुत ही अफसोस के साथ ये कहना पड़ रहा है, बहुत दुख के साथ, कि जिस आंदोलन के साथ और जिस पार्टी के साथ मैं तन मन से जुड़ी हुई थी, मैं उसे छोड़ रही हूँ। मुझे बहुत ही अफसोस के साथ ये कहना पड़ रहा है, बहुत दुख के साथ, कि जिस आंदोलन के साथ और जिस पार्टी के साथ मैं तन मन से जुड़ी हुई थी, मैं उसे छोड़ रही हूँ। मैं अपना त्याग पत्र दे रही हूँ, सारी मेंबरशिप से भी और सारी पार्टी पोजीशन से भी। मैं स्पोक्स पर्सन भी हूँ पार्टी की और राष्ट्रीय कार्यकारिणी की सदस्य भी हूँ और प्राइमरी फाउंडर मेंबर भी हूँ। तो मैं उन सबसे त्याग पत्र दे रही हूँ। दुनिया को लोकतंत्र का कटहरा सिखाने वाली पार्टी के बखिया उधेड़ते हुए शाजिया ने साफ कहा कि केजरीवाल की पार्टी में लोकतंत्र नहीं है। डिसीजन क्योंकि आंतरिक जमहूरियत नहीं है पार्टी में और मेरे लिए सबसे बड़ी वजह है पार्टी छोड़ने का। और मुझे लगता है जो पार्टी स्वराज की इतनी बात करती है और एक ऐसा आइडिया है जिसने हमको इतना प्रोत्साहित और प्रेरित किया है और इसी के लिए हम सब कुछ छोड़ छाड़ कर इसमें आए, और अगर इसी पार्टी में इनर पार्टी डेमोक्रेसी नहीं रहेगी तो ये बहुत तकलीफ की बात है। शाजिया इल्मी केजरीवाल के लिए नसीहतों का पिटारा साथ लेकर आई थी। और एक छोटा सा एक दायरा है लोगों का, वो जकड़े हुए है पूरी तरह से अरविंद को और वो ही डिसीशंस ले रहा है। एक गेट कीपर्स बने हुए वहाँ पे और वहाँ पे गेट्स हैं और उनके अंदर कोई जा नहीं सकता। बात बात पर धरने को हथियार बनाने के मुद्दे पर भी शाजिया ने केजरीवाल को आड़े हाथों लिया। बार बार धरना करना, प्रदर्शन करना, अपने आप में उसके फायदे रहे होंगे बुनियादी दौर में, लेकिन अब हमें लगता है कि वो पूरा उससे कुछ फायदा नहीं हो रहा है। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स की तरह हो गया है और लोगों का भी भरोसा इसमें हमारे अंदर कम होता जा रहा है जितने ज्यादा हम इस तरह की पॉलिटिक्स कर रहे हैं। बिल बॉन्ड ना भरकर खुद को देशभक्त बताने वाले केजरीवाल को शाजिया ने कानून का सम्मान करने की नसीहत दी। मुझे लगता है ये वक्त आत्ममंथन का है और जेल में वो आत्ममंथन करें, इससे बेहतर है कि वो लोगों के बीच में जाएं और जो उनके आसपास के गेट कीपर्स हैं, वो जो एक चौकड़ी बनी हुई है, उनसे मुक्ति पाकर लोगों के बीच में जाएं। मेरी ये राय है उनसे और मैं उम्मीद करती हूँ वो सुनेंगे कि वो बेल भर दें अपनी जो है और निकलें और जाएं यूपी, जाएं मध्य प्रदेश, जाएं बिहार और प्रत्याशियों से मिलें जो लड़े हैं, उन सबसे मिलें। इतना ही नहीं, शाजिया में इलेक्शन के पहले ही पार्टी छोड़ देना चाहती थी लेकिन उन्होंने इलेक्शन का इंतजार किया। जाते जाते अरविंद को सीख दे गई कि चौकड़ी से दूर हो जाने में उनकी और पार्टी की भलाई है। आशीष सिन्हा, दिल्ली, इंडिया न्यूज। त्याग पत्र दे रही हूँ।